नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जिस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एलओसी पर सिंहनाद कर रहे थे, पाकिस्तान के हुक्मरानों और पाक फौज की सांसें जम चुकी थी। पाक मीडिया में हड़कंप मचा था और रक्षा विशेषज्ञ बाजवा को आंखें खोलने की सलाह दे रहे थे। हालत यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त घबराहट हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। पाकिस्तान ने अपनी सेना को अलर्ट मोड पर कर दिया है। उसे इस बात की चिंता सता रही है कि भारत किसी भी वक्त पीओके पर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। उसकी यह चिंता बेवजह भी नहीं है। भारत की ओर से एलएसी पर रक्षा साजो सामान पहुंचाने की खबरें सुर्खियों में हैं, लेकिन एलओसी पर भी कमोबेश यह स्थिति बनी हुई है। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा और उससे लगते इलाके में भारी तादाद में सैनिक गतिविधियां बढ़ा रखी है। इंडियन आर्मी की सलचल पर पाकिस्तान नजर बनाए हुए है। उसने भी अपने इलाके में टैंक तोपे, रडार सिस्टम और फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बेचैनी जाहिर करते हैं। हालांकि भारतीय सेना इस पूरे मामले को एलएसी के मुद्दे से संबद्ध करके अपनी तैयारी बता रही है, मगर पाकिस्तान की दृष्टि में यह भारत की एक सोची समझी रणनीति है। उसके हिसाब से भारत वर्तमान हालातों का फायदा उठाकर चीन के बहाने पीओके पर एक्शन करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए अमेरिका और अन्य मित्र देशों की भी उसे स्वीकृति मिल चुकी है। खासतौर से चीन पाकिस्तान की संयुक्त परियोजना दियामेर बासा डैम ने भारत का गुस्सा बढ़ा दिया है। भारत के इससे गिलगित बाल्टिस्तान में $8 अरब की लागत से यह बांध बनाया जा रहा है। साथ ही 18 अगस्त से गिलगित बाल्टिस्तान में होने वाले चुनाव से भी भारत बुरी तरह बिफरा हुआ है। पाकिस्तान के इन दोनों ही फैसलों से तनाव चरम पर जा पहुंचा है। ऐसे में भारत आवेश में उस पर कोई सख्त एक्शन ले सकता है, पर पाकिस्तान की चिंता यहां तक ही नहीं है। भारत ने बहुत ही चतुराई से पीओके की घेराबंदी कर दी है। इसके लिए पाकिस्तान चीन को भी जिम्मेदार मान रहा है। गलवान घाटी और पेंगोंग झील में चीन ने सीमा विवाद बढ़ाकर भारतीय सेना की इलाके में उपस्थिति बढ़ा दी है। मई 2020 से पूर्व यहां 2000 से ज्यादा सैनिक नहीं रहते थे, मगर आज यहां पर 60 से 70 हजार भारतीय सैनिक मौजूद हैं, जिनसे गिलगित बाल्टिस्तान मात्र 25 किलोमीटर भी दूर नहीं है। वैसे भी मई 2020 में ही भारत ने पीओके की वापसी की तैयारियां शुरू कर दी थी, जब भारत ने मुजफ्फराबाद मीरपुर समेत गिलगित बाल्टिस्तान का मौसम बताना शुरू किया था। इसका संदेश यही था कि इस इलाके के साथ यहाँ का मौसम भी भारत का है। पिछले महीने जब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के लिए पाकिस्तान को इजाजत दी थी, तब भारत ने पाकिस्तान से साफ कह दिया था कि ये पीओके हमारा है, जितनी जल्दी हो सके इस इलाके को खाली कर दो। यानी ये हिंदुस्तान के पीएम के सीने की वो कसक है जिसे वे हर हाल में मिटाना चाहते हैं। भारत के जम्मू कश्मीर पूर्व से लेकर लद्दाख तक भारतीय सेना तैयार खड़ी है। इस वक्त पूरा पीओके एक तरह से भारतीय सेना की घेराबंदी में है। पाकिस्तान में घबराहट इस कदर है कि उसने गिलगित बाल्टिस्तान में एलओसी के नजदीक सेना की 2 डिवीजन को तैनात किया है, जिसमें तकरीबन 20,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार सिस्टम भी पूरे क्षेत्र पर 24 घंटे नजर बनाए हुए हैं। खासकर भारत ने जब से स्पाइस बम की खरीदारी का ऑर्डर दिया है, उसने भी पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा दी है। बालाकोट स्ट्राइक में भारत ने इन्हीं बमों का इस्तेमाल किया था। पीओके के पहाड़ी इलाकों में इन स्पाइस बमों का खास महत्व है, इसलिए पाकिस्तान भारत की इस तैयारी को चीन की बजाय अपने मद्देनजर देख रहा है। 2 दिन पहले गिलगित बाल्टिस्तान में बहुमूल्य भारतीय बौद्ध धरोहर को खंडित कर दिया गया है। यह सारा काम पाक फौज के इशारे पर हुआ है। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने इस पर बेहद कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। दरअसल पाकिस्तान इस इलाके से धीरे धीरे भारतीय प्रतीकों को नष्ट करने की रणनीति पर काम कर रहा है। भारत ने भी एक बड़ा कदम उठाते हुए लद्दाख और जम्मू कश्मीर के छात्रों को पीओके में स्थित गैर मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों में प्रवेश नहीं लेने को कहा है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सदस्य सचिव द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न हिस्सा है, परंतु वहां स्थापित शिक्षण संस्थान भारत सरकार या UGC द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए भारत में उनकी डिग्री का कोई महत्व नहीं है। पर असली मामला तो इससे भी कहीं आगे है। भारत रणनीतिक और कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान और पीओके पर शिकंजा कसता जा रहा है, जबकि पाक पीएम इमरान खान दुनिया को लेटर लिख रहे हैं। वे भारत से होने वाले किसी हमले से बचाने की दुहाई लगा रहे हैं।
पर हालत यह है कि उन्हें किसी भी देश का समर्थन नहीं मिला है। खुद उसके कथित सदाबहार मित्र चीन ने भी पीओके के पाकिस्तान का हिस्सा होने की बात नहीं स्वीकारी है। हालांकि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी गलतफहमी यह है कि उसने चाइना पाक आर्थिक कॉरिडोर और गिरगिट बाल्टिस्तान में दियामेर बासा बांध का समझौता करके चीन की इस इलाके में एंट्री कराई है। उसे लगता है कि भारत से किसी हमले की सूरत में चीन उसका साथ दे देगा, पर यहां भी एक पैच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अगर पीओके के मसले पर चीन इस वजह से पाकिस्तान की मदद को कूदता है कि यहां पर उसका सीपैक है, तो फिर भारत के मित्र देश भी इस जंग में धमक सकते हैं, क्योंकि यह मुद्दा चीन भारत की बजाय पाकिस्तान और भारत के बीच का है। वैसे भी चीन एक चालबाज देश है, वह दूसरे की फटी में अपना नुकसान करेगा ऐसी उम्मीद कम है। खासतौर से अमेरिका भी सीपैक के गिरगिट बाल्टिस्तान के गुजरने के मुद्दे पर भारत का समर्थन करता है, इसलिए चीन की ओर से मौखिक बयानबाजी से ज्यादा पाकिस्तान को अधिक सहयोग नहीं मिलने वाला है। पर बावजूद इसके चीन पीओके में अपनी गतिविधियों में तेजी ला रहा है। जिस दियामेर बासा बांध के निर्माण की चीन ने घोषणा की है, साल 2014 में विश्व बैंक ने इसके लिए मदद देने से पाकिस्तान को मना कर दिया था, क्योंकि भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। इसके बाद 2016 में एशियाई विकास बैंक ने भी पाकिस्तान को $14 अरब का कर्ज देने से इनकार कर दिया था। भारत का सख्त संदेश यही था कि यह उसका भिन्न हिस्सा है, इसलिए कोई भी निर्माण बिना उसकी सहमति के अनुचित है। चौंकाने वाली बात यह है कि इससे पहले भी चीन ने इस डैम को बनाने की पेशकश की थी, मगर नवाज शरीफ सरकार ने नवंबर 2017 में यह कहते हुए उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था कि डैम के लिए आर्थिक मदद देने की चीन की शर्तें मानने योग्य नहीं थी और यह पूरी तरह पाकिस्तान के हितों के खिलाफ थी। मगर इमरान खान भारत से इतना घबरा चुके हैं कि चीन को रक्षा कवच बनाने के चक्कर में उन्होंने पीओके को ही चीन के हाथों गिरवी रख दिया है, पर यह भारत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब भारत इस मुद्दे को ठंडा होना भी नहीं देना चाहता है, क्योंकि इस इलाके में चीन की जितनी घुसपैठ बढ़ती जाएगी, भारत की मुश्किलें उतनी ही ज्यादा होगी। एक तरफ गिरगिट बाल्टिस्तान में चुनाव का मुद्दा है, तो दूसरी तरफ यहां से गुजरने वाला सीपैक और अब दियामेर बासा डैम का नाम भी इसमें जुड़ गया है। जबकि भारतीय सेना LAC सीमा विवाद की बदौलत ही सही पर पीओके की करीब करीब 60% घेराबंदी कर चुकी है। बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख से बड़ी आसानी से पाकिस्तान पर धावा बोल सकती है। यहाँ रणनीतिक लिहाज से पाकिस्तान कमजोर स्थिति में है। जिस स्कार्दू एयरबेस को लेकर चीन या पाकिस्तान उछल रहे हैं, भारत के लिए उसे ध्वस्त करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। बड़ी बात यह है कि यह स्कार्दू एयरबेस भी भारत के हिस्से पर ही बना है। पिछले दिनों रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुखों और चीफ ऑफ डिफेंस के साथ हुई बैठक का मुख्य मुद्दा गुलाम कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान ही रहा है। बताया जाता है कि इंडियन आर्मी सरकार के फैसले पर पीओके में एक्शन को तैयार है, मगर फिलहाल LAC की स्थिति पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। सरकार तय कर चुकी है कि अब लद्दाख से सेना और युद्धक साजो सामान को वापस नहीं लाया जाएगा या भेजे गए तमाम हथियार अब LAC पर ही तैनात रहेंगे। यानी सरकार किसी बड़ी प्लानिंग के तहत काम कर रही है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि भारत LOC और लद्दाख में सेना का जिस तरह जमावड़ा बढ़ा रहा है, उसके पीछे पीओके की वापसी की रणनीति है। अगले हफ्ते तक फ्रांस राफेल फाइटर जेट अंबाला एयरबेस पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान की खातिर ही इन्हें हरियाणा के अंबाला में रखा जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर यह पाकिस्तान में अटैक को अंजाम दे सके। पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को इसे सबसे शक्तिशाली जवाब माना जा रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत इमरान खान के गिरगिट बाल्टिस्तान में चुनावी मंसूबे और दियामेर बासा बांध को शायद आगे बढ़ने देगा। पर सवाल यह भी है कि क्या भारत अपना मिशन पीओके तक ही सीमित रखेगा या फिर बलूचिस्तान और सिंध को भी आजाद कराएगा, क्योंकि अफगानिस्तान का दबाव भी भारत के ऊपर बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान अलग से बलूचिस्तान की स्थापना के लिए बलूचों की फुल सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में भारत को एक साथ कई मोर्चों पर ठोस रणनीति के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि पीओके पर एक्शन होते ही अफगानिस्तान भी बलूचिस्तान से लगी अपनी सीमा पर मोर्चा खोल सकता है, जिससे चिंगारी दूर तक भड़कना तय है। मतलब पाकिस्तान पर पीओके के अलावा 5 टुकड़े होने का भी खतरा मंडरा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।